प्रिय भाई और भौणी मैंने वर्तमान में इंग्लिश कोरस गोटे शुणा मो पा मैंने गाँव आम प्रभुंर वाक को जीवा जो घड़ी समय जो भयंकर परिस्थिति रे
आज अनेक अच्छा ए समय आम मैंने लकडाउन अच्छा समस्ते मिलमिश प्रभु उपासना करपरूति प्रभु आम मान को कतेगुड़े विषय शिखेवा जाते कि लोक मानू कष्ट आसे दुख आसे रोग आसे समस्या आसे से माने टी जा प्रभु पाने आत्मा स्थिरीकृत होवार आवश्यक से माने सब अटल रहीबार आवश्यक आत्मिक जीवन हलचल हो जाए आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए से माने प्रभुंकर पिला पर ठिया हो पारे माने से माने प्रभु को निर्भर कर जो माने प्रभु को निर्भर करती से माने अटल हो रही बोले आज आम शिखु आउ द्वितीय अंश जिते बड़े देखु जो मैंने जीवसलम जेपर जीवसलम चतुर्दिगे पर्वत मान थाए से आज सदा काल सदा प्रभु आपण लोक मान चतुर्दिगे था प्रभु लोक मैंने जो मैंने प्रभु निर्भर करती से मानकर चतुर्दिगे प्रभु आविष्ट रही से मानक सुरक्षित भाव चलाती रिजल्ट उत्तम विषय आज आम शिखा जाऊ सदा प्रभु निर्भर रखा मैंने कौन से प्रभु वाक्य आज शिखा ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड सदा प्रभु निर्भर करने विषय कहला बेले आज मो माँ मत मन पड़े मु बहुत छोट थी प्राय सात आठ वर्ष पिला मो स्कूल को जाऊँ आम घर बारिपट के जगह अच्छे से जगार मो परिवार चाष कर जमी आंदुरी ये सब पर सब आम घर पछाड़े पड़ा से समय दिने माँ कुंदरी से बिहनटा को मटी को उर्वर कर बिहनटा को बुणीदेला बुणीदेला मागला मुझे सागे गोटे बाल्टी गोटे मग नहीं पा नहीं गली पा नहीं गला कौन होना पा टे मग्रे का माँ इत छिंचीदे छिंचीदे मुझे माँ केबे आम पर आम खाइबा आउ के लता बढ़ाक लगे पचारे माँ कहले कि व्यस्त होना बढ़वार समय अच्छी तू अपेक्षा कर जदि अपेक्षा करश्चय से बढ़ आशीर्वाद पाइबा आम तार अमल करपत्र कहले मु बहुत खुशी स्कूल को जाकि आसला सांगे सांगे बैग फोपाड़ी दे दौड़ी दौड़ी जाए से कुंदरी बिहनटा कौन है देखे प्रथम दिन किसी ना कि द्वितीय दिन में सका जो जा देखुची छोटिया छोटिया चारा सब देखा जाते छोटिया छोटिया चारा देखा दौड़ी आसी मो माँ कहली माँ माँ छोट छोट चारा सब देखा आमर ये पर लता अच्छी से लता बढ़िया लगुच बोली माँ को कहली माँ कहले अपेक्षा कर निश्चय आम से पर नहीं पार बोली जिते बड़े कहले बहुत खुशी प्रतिदिन आसी स्कूल आसिकी पा पकाते कौन है ना चार पाँच दिन पर लताटा को बढ़ाक लगे बढ़ाक लगला मो दिने कौन है ना स्कूल फेर बेले आम बापा गोटे रंजा आने गोटे काठ बड़ काठ आंजा आ से कौन करते बड़े मुझपटा देखिली देख लापर माँ को आज कहली माँ माँ आम जो बिहन बुणीलु आम जो लता जो बढ़ुची से पाखे किए जो रंजा लगे गोटे काठ लगे बोली कहला नाई ना ये नुहते तो बापा ही लगे देखे कौन बोली कहले द्वितीय दिन जिते स्कूल फेरुची स्कूल फेर बेले सांगे सांगे पा पकड़ दौड़ी जाए देखुची कौन हो देखुची से लट्टा
से काठ उपरे से काठ उपरे इति आ चढ़ी 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 ऊपर को आसी जेते बेले चढ़ी 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 ऊपर को आसी सेते बेले बहुत खुशी है कि आ मां पाको गली मां पाको जाय कहली मां मां से जो लता अछि से लता गुडा को से काठ उपरे से रंग उपरे इति चढ़ी चढ़ी मु जानि से माने गोटे आ छमडिया करबे आ बापा मां से तैयार करबे सेटे फड़ब से सब विषय मोर जाना नाला कितु जिते से काठ को धरिकी से लता ऊपर को चढ़ुची बहुत खुशी माँ पाक गली माँ कहली आँ कहला तू शुणु ना से लता काठ सहित कथा से जो रंजा अच्छे से रंजा सहित कथा तू कौन शुणु कि बोली कह मुझे ना कि शुणी जा दौड़ी जा दौड़ी जा कि शुणी आस कहते शुणी आस कह स्पीड दौड़ी गले दौड़ी जाए कि लई की शुणा को चेस्ट करते शुणा को चेस्ट करताटा किसी कथा कह से माँ बात कहू माँ कौन माँ तुम्हें कहल सीना कहीं किसी तो लता तो कथा होनी कहीं से काठ तो कथा होनी बोली कहते माँ कहले मुझी अभी तो कौन तो शुणी पार कह मोर हाथ धरिकी मत आसे आसिक नेला लईलु आंठाई सुन जाके तो सुन किंतु से लता कौन करुचि ना किंतु कथा होचि आओ से काठ सहित से बाणी सहित किंतु कथा कथा होचि सुन बोली कहले मु शुणा को चेष्टा करुचि किंतु शुणी पारे ना आज मोर माँ मन पड़ुचे माँ मन मत कौन कह जानी मत कहले रे बाबू आओ रमेश से लता से काठ को न बाड़ी को से लता कह रे रंजा रे रे काठ रे बाड़ी तू नथिले आउ मो नाही मो तो उपरे निर्भर कर ऊपर को चढ़ुची तू जदि बुझी जीवु तेबे आउ मु बची पारिबि हालेलुया एठे से रंजा होची सदा प्रभु परमेश्वर से लता होची आपण माने आम्मे जेते बेले सदा प्रभु परमेश्वर उपरे जेते बेले निर्भर करछु व्हेन वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड माने ताको उपरे आउ जे पड़छु लिविंग ऑन गॉड आम्मे जेते बेले ताको उपरे आउ जे पड़छु सदा प्रभु परमेश्वर एटा कहंती जे माने सदा प्रभु पठारे निर्भर रखंती से माने अटल नित्य स्थाई सियोन पर्वत तुल्य हालेलुया प्रिय भाई भौणी माने जो माने के सदा प्रभु ऊपर आउ जे पड़ंती यदि आमे ताको ऊपर आउ जे पड़िबा ताको ऊपर निर्भर करिबा प्रभु तुम्हें नथिले मोर कौन से लाभ नाही मु बंची पाए नाही प्रभु बोले यदि आमे कहि पड़िबा ते प्रभु को छथि आई मेक यू डिफरेंट मु तुमको भिन्न प्रकार तैयार कर देबे जे तुमे सियोन पर्वत परि अटल नित्य स्थायी होई जीव हालेलुया प्रिय भाई भौणी माने अटल नित्य स्थायी हम दरकार आयु लोक जीवन केते दुख आसला केते छड़ झंझा आसला किंतु से अटल होई रहिले प्रभु देले प्रभु नहीं गले प्रभु प्रशंसा हो बोली कहले हालेलुया कारण आयु प्रभु निर्भर कला आम जब प्रभु निर्भर करमें जापर जे आम अटल होगा आम सियोन पर्वत पर हालेलुया प्रिय भाई भौणी मैंने आज के दुख आसला बेले आम छावणी जाऊ आज कष्ट आसा बेले हताश निराश हो जाऊ कौन निरुत्साह कारण आम प्रभु निर्भर करी प्रभु निर्भर करें आश्चर्य भाव में परिणत कर प्रभु से आज दुईटा विषय आप विशेष भाव में जाऊँगी प्रथम विषय हूँ अटल आउ नित्य स्थायी होने द्वितीय विषय हूँ जीरोसलम चतुर्थी पर्वत कौन थी आम चतुर्थी सदा प्रभु परमेश्वर ही
आम मान से सुरक्षा करेंगे। प्रथम विषय अटल नित्य स्थायी, द्वितीय विषय हूँ सुरक्षित होगा। प्रिय भाई और भौणी मैंने देखु गीत संगीता कोड़े गीत कोड़े गीतर सात आठ कई कई रथरे और कई कई अश्वरे निर्भर करती मात्र आम मैंने सदाप्रभु आम मान परमेश्वर नाम कीर्तन करवा से मैंने नत हो पतित हो मात्र आम मैंने उठी सड़किया हो लुआ आम मैंने उठी सड़किया हो किंतु से मैंने पतित हो गले। प्रिय भाई भाई मैंने कारण आम मैंने सदाप्रभु परमेश्वर नाम कीर्तन कर आम सदाप्रभु परमेश्वर नाम निर्भर करभर करथरे अश्वरे निर्भर करती रथरे अश्वरे निर्भर करती से जीवन से प्रकार जटिल हो जाए। देखु कहीं जो मैंने कि अश्वरे जो मैंने कि रथ पर निर्भर करती कहीं से मैंने पतित हमें आम प्रभु निर्भर करें कहीं सड़क भाव ठिया हो तार कारण जिसाय एक अध्याय एक पद पढ़ा जो मैंने साहय निम्ते मिसर को जाती और अश्वगण ने निर्भर करती और रथ अनेक हबर अश्वर हिगण अति बलवान हबर से विश्वास करती मात्र इस्राएल धर्मस्वरूप प्रति ना क्यों आपण आ सदाप्रभु अन्वेषण न करती से माने संतापर पात्र जो मैंने कि सदाप्रभु अन्वेषण करती ना से माने संतापर पात्र हो जाते। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने अनेक लोक धन अच्छी कल्पित हूँ पुह मैंने झील मैंने उत्तम उत्तम चाकरी कर बड़ बड़ चाकरी करपित हूँ केत जमी बाड़ी अच्छी धन सुना गहना बिल्डिंग अच्छी से गर्वित हूँ रथ उपरे अश्व उपरे निर्भर करते हाय से संताप पात्र से सदाप्रभुरे निर्भर करते हैं। प्रिय भाई भाई मैंने तीन पद देख मिश्रिय मैंने मनुष्य मात्र परमेश्वर नुहति परमेश्वर सदा सर्वदा समान भाव का आज सदा काल से सामान रुंती हालेलुया से आम प्रभु निर्भर करम अटल है कारण आम परमेश्वर अटल से अश्वगुण मंस मात्र आत्मा नुहति से अश्वगुण मंस शरीर दिने मरीज किंतु आत्मा को मरण ना। प्रिय भाई भाई मैंने दया चिंता करेखा सदाप्रभु आप हस्त विस्तार कले साकारी झुंटी पड़ब और सहायक पात्र पड़ज पुणी दुहे एकत्र विनष्ट सदाप्रभु जदि आमको साहय करती ना आम विनष्ट से प्रभु निर्भर करार पड़ो हेले धन कौन दरकार ना कि चाकरी कौन दरकार ना कि सुना गहना कि संपत्ति कौन आम दरकार ना कि संपत्ति जदि उपार्जन करा कौन भूल बोली आप पचार आम उपार्जन करार भूल नुह चाकरी करार भूल नुह किंतु वेर योर ट्रस्ट वेर योर लीनिंग आपण मैंने का निर्भर करा कौन पचार आम जिते था आयोग उपार्जन करनेक विषय तरह धन संपत्ति थिला किंतु से धन निर्भर नक प्रभु निर्भर करी। प्रिय भाई भाई
से प्रकार आम प्रभु निर्भर करवा आउ गोटे पद आपण मानक शुणवाक जा देखु हितोपदेश एगार अध्याय चारिपद क्रोधर दिन में धन निष्फल मात्र धार्मिकता मृत्यु रक्षा करे। क्रोधर दिन में धन कौन हो निष्फल हो जा There is no use of money when the wrath of God will come. प्रभु क्रोध जो जन आसे टा खर्च कले भी कौन सी लाभ ना। प्रिय भाई भाई मैंने आपण मान गोटे देखते जिहिकल पुस्तक सात अध्याय जी आम पढ़ा सात अध्याय उन्नीस पद पढ़ा से मैंने आपण आपण रूप दांडे पकईदे ओ से सुना असुचि वस्तु तुल्य है सदा आपर दिन में से मैं रूप और सुना से रक्षा करना से प्राण को तृप्त क्षय उदर पूर्ण करना कारण तर अधर्मजनक विघ्न होलुया। प्रिय भाई भाई मैंने सुना गहना धन से आंडे कौन करदे पखाईदे से टा रक्षा करना। ये कोरोना भाइरस रोग से अनेक लोक पतित हजार हजार लोक मरे ए हजार हजार लोकर समस्ते कौन गरीब लोक मरी ना अनेक धनवान लोक मैंने मरीगले कारण कौन से कौन टा ना आपण मैंने चिंता करते प्रभु वाक्य सत्य जदि प्रभु आम रक्षा करती ना प्रभु आम सुरक्षा करती ना वी कैनॉट लिव इवन वन सेकंड गोटे सेकेंड गोटे मुहूर्त बच पार नहीं। प्रिय भाई भाई वी नीड द हेल्प ऑफ गॉड प्रभु आम मान आवश्यक प्रभु अनुग्रह आम मान आवश्यक प्रभु अनुग्रह नमें कदापि बची पार ना। प्रिय भाई भाई मैंने आम प्रथम विषय देखु जे जो मैंने प्रभु निर्भर करती जो मैंने कि अश्व उपरे कि रथ उपरे सदा प्रभु नाम कीर्तन करती से मैंने सड़क हालेलुया। आम आत्मिक भाव में ठिया मानसिक भाव में शारीरिक भाव में समस्त विषय सड़क भाव में ठिया हालेलुया कारण प्रभु आम मान सहायकर्ता हालेलुया। प्रिय भाई भाई मैंने द्वितीय विषय आम देखु जेरुसलम चतुर्दिगे पर्वत गुण थीपर सदा परमेश्वर आम मान चतुर्दिग रही आम मान सुरक्षा कर जिखरीय दुई पांच पद पढ़ा जिखरीय दुई पांच पद कारण सदा कहते आम्भे चतुर्दिगरे अग्निम प्राचीर स्वरूप हेब ओ आम्भे तहिर मध्य प्रताप स्वरूप हेबा। हालेलुया प्रभु आम मान प्रताप स्वरूप है आम मान चतुर्दिगरे अग्निर अग्निमय प्राचीर स्वरूप है। हालेलुया ओ ग्लोरी गॉड ग्लोरी गॉड हालेलुया प्रभु आम मान चतुर्दिगरे अग्निमय प्राचीर है केते आनंद विषय जस्ट जस्ट प्रभु निर्भर कले जथेष से आम मान चतुर्दिगरे बाट दे आम मान से रक्षा। हालेलुया जदि शैतान मान को छुईबा चेष्टा करे तेबे अग्निर पाचीर चढ़ी से आसार पड़े सदा प्रभु टपी न आसिले कौन सी लोक आम को छुई पारे शैतान हो ना कहीं जेकोसी लोक हूँना कहीं आम छुईवाक पड़ो तेज से क्रस आवर गॉड आम प्रभु को क्रस कर छुई पारे से सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे किए आए। हालेलुया केते सुंदर विषय प्रभु आम मान शिखा देखु हाउ डू यू नो
सेवा उपरे निर्भर करंतु प्रिय भाई और भौणी मैंने
जो मैंने तो प्रभु दास दास मैंने वाक्य शुणी आपण मान को गोटे विषय कहते प्रभु आज आपण गोटे विषय कहते मिनिस्ट्री निर्भर मिनिस्ट्री मंडल निर्भर करते ना कारण आज जो मैंने फूलमाला दे जो मैंने सम्मान कर विश्वासी कल की पत्थर पक किंतु आमे जदि जो मैंने प्रेम करग करमेश्वर सब आंभ मान सहवर्ती से अटल परमेश्वर आम मान से अटल रखे मुझे जो मैंने कि प्रमुख दास मैंने अच्छा जो मैंने आक्य शिक्षा करती से कहे डोट ट्रस्ट इन द मिनिस्ट्री डोट ट्रस्ट इन दिन आवश्यकता से सदा परमेश्वर जिहोवा चिरे प्रिय भाई मैंने जदि आम प्रभु निर्भर करियन पर्वत पर जेरुसलम पर न्यू जेरुसलम एंड माउंट ज़ायन ए दुटा गोटे आत्मिक जे सियोन पर्वत कहले जेरुसलम कहले गोटे आम पर पड़ो आम आज प्रभु अनुग्रह तीनटा विषय आपड ड्यूटी ऑफ ए बिलीवर आम तीनटा कर्तव्य पड़ो तद्वारा आम प्रभु निर्भर करें जापर से कौन से कौन देखा प्रथम विषय आम पढ़ा जिसाय पुस्तक चार अध्याय पांच पद आउ सदा प्रभु सियोन पर्वतस्थ समुदाय आवास ओ तार सकल सभा दिवस मेघ ओ धूम ओ रात्रि प्रज्वलित अग्नि तेज सृष्टि करिवे कारण समुदाय प्रताप उपरे संदेहक विस्तृत हेब हालेलुया दिवस मेघ धूम राति प्रज्वलित अग्नि देखो सियोन पर्वत कौन अच्छी दिवस मेघ धूम राति प्रज्वलित अग्नि आम जो देखु इस्राएल लोक मैंने जिते कि मिसर बाहर आते परमेश्वर से सहवर्ती है दिवस मेघ स्तंभ आउ रात्रि अग्नि स्तंभ अनुसार से पढ़े आने लोया मान अर्थ कौन दिवस अग्नि स्तंभ मेघ स्तंभ रात्रि अग्नि स्तंभ कहले दावर अफ होली स्पिरिट आने लोया आम मान जी पवित्र आत्मा शक्ति अच्छी तेरे आम प्रभु निर्भर करें जो गिर्जा प्रभु निर्भर करुचु प्रभु कहीदेकि यथेष्ट नुहे आम निश्चय प्रभु निर्भर करुचु मान तार कर्तव्य कौन मान आम मान कर्तव्य कौन मान आम प्रभु आत्मा शक्ति परिपूर्ण होगा दरकार हाले लुआ से एप्रिल बार उन्तीस लेखा एप्रिल ट्वेल्व ट्वेंटी नाइन आंभ मान ईश्वर ग्रास करी अग्नि स्वरूप हाले लुआ सदा परमेश्वर आम मान भर दरकार से आम मान दिवस मेघ स्तंभ पर आवर दरकार रात्रि समय अग्नि स्तंभ पर चल दरकार Do you have that experience, my friend? आपण मानू की से प्रकार अनुभव अच्छी प्रभु आपण कथा
যদি আমার পাখার নাই প্রভু মু তুম উপরে নির্ভর করুছি বলে কইলে সেটা মিথ্যা কথা। जो मैंने प्रभु को ऊपर निर्भर करती से मानव को ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति आविष्ट हो गए। आमेन। सियोन पर्वत ऊपर प्रभु का शक्ति जे प्रकार आविष्ट हो गई से प्रकार आम मानव को ऊपर मध्य प्रभु को शक्ति आविष्ट हो। अग्नि कौन करुचे ना पोड़ी रोची जाय रोची से प्रकार यदि आम पवित्र आत्मा पूर्ण अच्छु शैतान शक्ति सब का पोड़ी दौ ध्वंस कर दौ से प्रकार शक्ति अच्छे ना शैतान शक्ति देखिए आम भय भयभूत हो जाऊ। प्रभु आज आम सहित कथा कहते हे मन प्रिय भाई भाई मैंने डू यू हाव द एक्सपीरियंस ऑफ द पावर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा शक्ति अनुभव आपण मानी ना प्रभु को आज मांगा। द्वितीय विषय देखते जिरेमिय 31:6 जिरेमिय 31:6 कारण जो दिन में प्रहरी मैंने इब्राहिम पर्वत घोषणा कर उठ आम मैंने सियोन को सदा प्रभु आम मान परमेश्वर छाप जाओ एपरी दिन आसोया सियोन को सदा प्रभु परमेश्वर छाप को जाओ मैंने कंटिन्यूसली वे गोइंग टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड এটা কোন মানে প্রভুঙ্কর উপস্থিতি কো আমি যিবা প্রথম বিষয় দা পাওয়ার অফ হোলি স্পিরিট প্রভুঙ্কর উপস্থিতি কো আমি কিতে যাই পারছি হরে যেমিতি জলধারা পাই আতুর হাই তুষাক্ত হয়ে রয়েছে সে প্রকার প্রভু করহ সন্তান কোন কোন সে প্রকার প্রভু মু তুষিত আছি যদি লোক মানে প্রভুঙ্কর प्रतिदिन प्रभु समय सेपरेट प्रार्थना समय उपासना समय आम मान अच्छी प्रभु आज पचार सियोन पर्वत सदा सर्वदा प्रभु उपासना चलो उठ आम मैंने सियोन को सदा भगवान परमेश्वर छाप को जाओ हालेलुया आम प्रभु उपासना कर दिन को घंटाए दुई घंटा तीन घंटा भगवान बंद कर दानियल को विषय चिंता कर दिन को तीन थर प्रार्थना करते कि राजा आज्ञा बल आज्ञा दल जो मैंने कि मोर छोड़ा अंदर पूजा करते से सिंह पक दानियल शुणिले प्रार्थना बंद करें हालेलुया ही वाज ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड प्रभु को भेजे पर से प्रार्थना टाइम काफ दे प्रार्थना टाइम प्रभु भेजे प्रभु सिंह भद्र तुम उद्धार कले आम प्रार्थना समय अच्छे उपासना समय अच्छे प्रेयर एंड वर्शिप टाइम। तृतीय विषय देखो जिखरिय आठ अध्याय तीन पद जिखरिय आठ अध्याय तीन पद सदा ये कथा कहती आंभे सियोन को फेरी आसीच ओ जिरुसलम मध्ये वास करबा देखो त्रिगे दुईटा विषय लेखा होछ सियोन को फेरी आसीछ ओ जिरुसलम मध्ये वास करबा केते सिमिलैरिटी से देखा जाउछ आओ जिरुसलम सत्य नगरी ओ सन्यादिपति सदा प्रभुकर पवित्र पर्वत पवित्र पर्वत रूपे विख्यात हेबो हालेलुया होली माउंटेन देखु सत्य नगरी दीटा विषय लगे सत्य नगरी आओ पवित्र जो मैंने पवित्र हमें भावी गत हप्ता विगत हप्तार मुझे विषय कहली जो मैंने कि पवित्र हमें से पात्र प्रभु व्यवहार करती हे प्रिय भाई भाई मैंने आम मैंने प्रभु निर्भर करें ट्रुथ आम मैंने पवित्र भाव में
ଚାଲୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବାସ କରିପାରୁଛୁ, ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ୍ଦିର, ତୁମେ ମୋର କନ୍ୟା ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀକୁ ସେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପାୱାର ଅଫ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରେୟର ଆଣ୍ଡ ୱର୍ଶିପ୍, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ହୋଲି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍, ଜେନୁଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ବାହାରେ ତାହା ଅଛି, କୌଣସି ଭାବରେ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଛୁ, ଘରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଛୁ, କାମ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମେ ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର କିଛି କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଭାବରେ, ପବିତ୍ର ମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ହେବା, ପବିତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟଳ ଓ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସିଓନ ପର୍ବତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରେ ପର୍ବତ ମନ ପିଲା କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଜିକି ଆମେ ସଦକ୍ରମଣ କରିବା। ଆଜିକି ଆମେ ସିଓନ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଜିରୁସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛୁ। ଜିରୁସ୍ଥଳ ସିଓନ ପର୍ବତର ତିନିଟା ଗୁଣ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଉପାସନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେୟାର ଆଣ୍ଡ ୱର୍ଶିପ୍। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟତା। ଏହି ତିନିଟା ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେ ଜାଣି ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କଥା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଅନ୍ ହିମ୍, ୱେ ଆର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ହିମ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ତିନିଟା ବିଷୟ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଇଯାଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଚାରିଥର ପାଞ୍ଚଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ବାଇବେଲ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଉପାସର ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ହେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ଅସତ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲୁଛୁ? ଆମେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଅଛୁ ନା ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗି କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। Lord, forgive us. We repent for our sin. ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ମାଗି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷେଦକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଛାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। Lord, fill them with the Holy Spirit. Give them the power of the Holy Spirit. ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଜହନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉତ୍ତରେ ଦିଆଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅଗ୍ନିର ଶକ୍ତି ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଦିବସରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ କରି ତୁମେ ଠିଆ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଭୋଗ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଥାଉ, ସତ୍ୟତା ଥାଉ, ଅପବିତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କୁ ନଛୁଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆହୁରି ଆମେ ମିଶି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।